अच्छा ये बताओ, आपने कमला को मारा था कि नहीं मारा? मैंने कमला को नहीं मारा, मैंने कमला को जानते नहीं था सर, मैं कमला को शाम को देखा ही नहीं था, अच्छा उसकी तैनाती उसी दिन की गई थी मेरे को फंसाने के लिए सर। अच्छा मैंने आप आओ इस चीज में इन्वॉल्व हो, आपको प्रमोट किया जाएगा और उनको प्रमोशन भी मिला है। इसके स्टेटमेंट में मैं फर्दर बताऊंगा सर। सब इंस्पेक्टर से टीआई बनी वर्तमान में यही बिलासपुर में, अच्छा बर्खास्त मैं सेवा से बर्खास्त हूँ। हो गए आप? हाँ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा तो मैं अपनी नौकरी गवा बैठा। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में आ गए सर। पारिवारिक स्थिति मेरा बड़ा कमजोर है, मेरे पास पूरे साक्ष्य सर। क्या? मैं जो ये जो सीडी है सर, ये सीडी इसमें भागवत का जो फोटो रहता है जी, भागवत का नहीं, आपके साथ ये सब गतिविधियां हुई है हाँ उसका कोई वो है साक्ष्य आपके पास? जी सर, मैं इसकी शिकायत किया था राष्ट्रपति को सर। राष्ट्रपति को नहीं, और कोई वीडियो वीडियो नहीं मोबाइल पे? भागवत का वो जो आमंत्रण कार्ड है वो है सर। नहीं, भागवत तो अलग इशू हो गया, भागवत को तो मत जोड़िए आप। जी सर आपके साथ जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताए, उस कहानी का कोई तो साक्ष्य होगा आपके पास? हाँ, मेरी माता जी है, मेरे भाई है, मेरे परिवार के आसपास के लोग जो मेरे साथ में, पुलिस वाले जब छुड़ाने के प्रयास किए तो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करके ले गए पुलिस गाड़ी में लोड करके तो सर। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें किसको किसको अरेस्ट किए? नहीं, इसमें केवल मेरे को आरोपी बनाया गया, लेकिन जब बाकी उन्होंने जी लोगों को थाने लेके आए थे क्या? अच्छा, सर, नहीं थाना लेके नहीं गए, डायरेक्ट कोर्ट में लेके गए सर। जी कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? सर, कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? जो एक लड़की को दिखाए ना, कि आपको उस लड़की मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाई है करके एफआईआर किए करके हमको तो लेके। एफआईआर की कॉपी है क्या? तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमको ये मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने पूछा कि तुमको यहाँ क्यों लाए, तब हम लोगों को पूछा सर हमको क्या मालूम मेरे पुलिस वाले क्यों लाए, तो तुम हाँ लोग अधिवक्ता रखो सर यहाँ पर, तब हाँ फिर इसके बारे में जानकारी दे दो। अच्छा ये बताओ, आपके पास वहां पे पुलिस जब आपको थाने कोर्ट ले गए तो कोर्ट में कितने लोगों के को लेके गए थे आपके साथ? उसके कोई मजिस्ट्रेट साहब के कोई सबसे साइन है क्या ऑर्डर शीट का? जी सर, मजिस्ट्रेट साहब के आपसे किसी ऑर्डर शीट में साइन करवाया क्या उन्होंने? मेरे को सर वहां पर वो मेरे जो अधिवक्ता थे मुकेश श्रीवास्तव सर, वो बोले कि उनको हम लोग खोजे सर और लाए बताए ये सब आप घटना। कैसे खोजने चले गए? आपको तो हथकड़ी बांध के रखे थे। नहीं नहीं मेरे को नहीं, मतलब मेरे परिवार वाले सर, मैं तो अच्छा हथकड़ी बंद था अंदर में, मेरे साथ और गए अच्छा थे। तो ये बताओ, आपको अरेस्ट किए तो उसके कोई दस्तावेज तैयार हुआ होगा ना? बिना पेपर के तो अरेस्टिंग नहीं होती हाँ ना। मेरे को 4 बजे गिरफ्तार किए थे सर। तो 4 बजे गिरफ्तार किए तो उसकी अरेस्टिंग का कोई रिकॉर्ड तो होगा ना? कहाँ अरेस्टिंग का रिकॉर्ड इसमें है ना सर, है ये बताइए, कौन सा गिरफ्तारी कहाँ? में मुसर गिरफ्तारी में वो बताइए कहाँ है? ये सर 70 नंबर में है सर, अरेस्ट कोर्ट सरेंडर में मुसर। ये 16 बजे इसमें मेरी गिरफ्तारी है, पेज नंबर 77 में संलग्न है सर। समय 13:20 को किया था सर। इनका कहना है कि मैं 13:20 में गया था घर, उन घर से थाना गया था सर। थाना आने के लिए सर थाना प्रभारी को नोटिस जारी करना पड़ता है 40A के तहत। ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेज इस प्रकरण में नहीं है सर। मुझे थाना कांकेर में आने के लिए 14/4/2016 को थाना प्रभारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये एक आकस्मिक प्लानिंग था मेरे को इस प्रकरण में फंसाने का, जिस कारण से मेरे को नहीं दिया गया था। अच्छा ये बताओ, आपने कमला को मारा था कि नहीं मारा? मैंने कमला को नहीं मारा, मैंने अच्छा कमला को जानते ही नहीं था सर, मैं कमला को शाम को देखा ही नहीं था, अच्छा उसकी तैनाती उसी दिन की गई थी मेरे को फंसाने के लिए सर। अच्छा मैंने आप आओ इस चीज में इन्वॉल्व हो, आपको प्रमोट किया जाएगा और उनको प्रमोशन भी मिला है। इसके स्टेटमेंट में मैं फर्दर बताऊंगा सर, हाँ उनका इस प्रमोशन भी इस केस के बाद। अच्छा मैंने इनके अगेंस्ट में माननीय राष्ट्रपति महोदय को शिकायत किया था, हाँ उस शिकायत को कार्रवाई नहीं करके इनको पदोन्नति दिया गया। अच्छा इतना बड़ा लाभ इनको मिला सर, सब अच्छा इंस्पेक्टर से टीआई बनी वर्तमान में यही बिलासपुर में सर। अच्छा बर्खास्त मैं सेवा से बर्खास्त हूँ। हो गए आप? हाँ मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा तो मैं अपनी नौकरी गवा बैठा। तो आप नौकरी से बाहर हो अभी? मैं बर्खास्त हूँ, अभी मेरे 8 साल हो गए मैं सर, हाँ, मैं नौकरी से बर्खास्त हूँ। और अभी अभी क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ सर गांव में। गाँव में। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में आ गए सर। पारिवारिक स्थिति मेरा बड़ा कमजोर है सर। मैं इसमें वकील भी रखा था सर, उनको भी मैं फीस देने में असमर्थ था सर। अच्छा ये बताओ कि आपका ये जितनी बातें बता रहे हो उसको, इनकी डायरी कहाँ है? डायरी मंगवाइए, डायरी मंगवाइए, तो जरा ये इस अपराध की डायरी मंगाओ। आपको डिसमिस का क्लिक किया है? डिसमिस सर कारण बताओ नोटिस में, जब पुलिस बैंक को बंद करा कि इनका 2 करोड़ रुपए पैसा एसपी माननीय श्री एसपी साहब
ये खाते से विड्रॉ करके 1800 आदमी लोगों को दिलाया सर, मैं 1846 आदमी को न्याय दिलाया सर इस लड़ाई में, जिसका परिणाम आज मैं अकल रूप से भोग रहा हूँ। आज 8 साल हो गया सर मेरे को पीसीआर। सेवा मुक्ति का आदेश का केस कहाँ चल रहा है जी सर? अच्छा नहीं लगता थोड़ी ठीक है, आपकी तकलीफ हो सकती है हम उसको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा तमीज संभाल ले तो अच्छा लगेगा, समझ आता सर है ना। हाँ आप बोलिए। यस वहाँ लगा हुआ श्रीमान यहाँ WPS का पेटिशन। अच्छा अच्छा मेरा ये कहना है सर इस केस में सर, ये रोजनामचा रिपोर्ट कामला कुशांत थाना कांकेर में उस समय नहीं थी और पुलिस विभाग रोजनामचा रिपोर्ट के आधार से चलता है सर। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ हाईकोर्ट में, आज मेरा रवानगी वहां से डलेगा कांकेर से सर, तो कांकेर से अगर आप सर्विस में रहोगे तब तो। हाँ मैं मान लीजिए अगर रहता तो, क्योंकि मैं इसके बारे में भली बात मेरे को ज्ञान है सर, क्योंकि मैं विभाग में 23 साल नौकरी किया हूँ, मेरे पिताजी पूरा सेवानियुक्त हुए उप निरीक्षक के पद पर, तो रोजनामचा रिपोर्ट इस केस डायरी में नहीं है सर, ना ही MLC का रिपोर्ट है, ना ही घटना समय का रिपोर्ट है, जबकि इस केस डायरी में इस रोजनामचा रिपोर्ट का होना नितांत आवश्यक। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ पीट रहा हूँ, सब मेंशन होता है इसमें, ऑलरेडी लिखा हुआ है पैरा 236 में अंकित किए गए जाने वाले अतिरिक्त विषय, जिसमें बिंदु क्रमांक सा और दा सा में लिखा हुआ है सर, किसी कार्यभार पर पुलिस अधिकारी को भेजा जाना, यदि मेरे को कहीं से ड्यूटी पर भेज रहे हैं तो उस चीज का मेंशन जनरल डायरी में होगा दैट सोनकर हैज वेंट टू ड्यूटी डिसमिस फ्रॉम जॉब एवरीथिंग सर, ये सब चीज उसमें लिखा जाएगा। ऐसा कोई ड्यूटी सर्टिफिकेट इस केस में अवेलेबल नहीं है कि कमला कुशाम का कहना यह है कि मैं कौशल सोनकर मीन्स मैं सर को एक मोबाइल चोरी के अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज इस केस में पेश नहीं किया है जिससे ये लोग प्रूव कर सके कि वो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन थाना कांकेर में नहीं होता सर, देर इज डिफरेंट डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन इंक्वायरी इन क्रिमिनल केस एंड द सेकंड थिंग इज दैट इंक्वायरी रिलेटेड टू साइबर क्राइम दैट इज सेटल्ड बाय SP कांकेर, फॉर दैट देर इज अनदर डिपार्टमेंट सर दैट साइबर डिपार्टमेंट दे विल इंक्वायर द मैटर, दैट इज नेचुरल ट्रूथ सर, वी कैन नॉट चेंज दिस। मैं इस संबंध में कोई दस्तावेज अभी लेख पेश प्रस्तुत नहीं कर सकता सर, लेकिन एक सामान्य जानकारी सर कोई भी आदमी के पास में होता है सर, और ये जो 13:20 में घटना का समय बता रही है सर, इस चीज के लिए मैंने प्रति परीक्षण किया था सर कमला कुशाम का, टाइम में किया परीक्षण कोर्ट में सर, ये सी अपीयर इन दिस केस फॉर स्टेटमेंट सर। तो कहा है उसका कोर्ट का बयान कहा है?